गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जनवरी मंथ से इकोनॉमी के पार्ट सेकंड जो है वो कवर करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आप सोच समझ कर ध्यान से रिप्लाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए जी, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास कोविड को लेकर है। कोविड के दौरान बहुत से लोगों ने हमारे पास जो है अपनी जॉब को छोड़ दिया। इसको हमारे पास इकोनॉमिस्ट ने क्या नाम दिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पेंडेमिक क्विट, सेकंड ऑप्शन है द पेंडेमिक रेजिग्नेशन, थर्ड है द ग्रेट रेजिग्नेशन और फोर्थ वन इज द पेंडेमिक ब्रंट। हां जी, तो क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। तो हां जी, सोच समझ कर आंसर कीजिए। ओके, तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, देखो नुकसान बहुत लोगों को हुआ, कोविड के कई सारे बुरे प्रभाव हमें देखने को मिले, लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, इकोनॉमिस्ट ने क्या नाम दिया है? तो इकोनॉमिस्ट ने इसको नाम दिया है द ग्रेट रेजिग्नेशन। ये याद रखिएगा, ग्रेट रेजिग्नेशन। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बन जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विद रेफरेंस टू कंटिजेंसी फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंटिजेंसी फंड को लेकर दो स्टेटमेंट दी गई है। गवर्नमेंट एनहांस द फंड फ्रॉम 500 करोड़ टू 50,000 करोड़ थ्रू अ फाइनेंस बिल 2021। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मैनेजेस द फंड। सो ऑप्शंस, हाँ जी, क्या पहली स्टेटमेंट सही है, क्या दूसरी स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों सही हैं या दोनों सही नहीं है? हाँ जी, ऑप्शंस आपके सामने। कंटीजेंसी फंड की बात हो रही है हमारे पास, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। अभी कंटीजेंसी फंड हमारे पास न्यूज में था। ओके, आई गेस आपने पढ़ लिया हुआ, रिप्लाई कर दिया हुआ। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, देखिए पहली बात तो कंटीजेंसी फंड को डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 267 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, क्लियर। और ये जो फंड है वो हमारे पास क्या 50,000 करोड़ का किया गया है? इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन नॉट 50,000 करोड़, इट इज ऑफ 30,000 करोड़। तो पहली स्टेटमेंट मेरे पास रॉन्ग हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का इसको मैनेज करता है, तो ये भी गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इसको मैनेज करता है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसको कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हाँ जी, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है I4F, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। हाँ जी, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ यहां पर ये इनोवेशन फंड को लेकर एक कोलैबोरेशन की है? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ईरान, इंडोनेशिया, इजराइल, इटली। हाँ जी, क्या हो सकता है सही आंसर? ओके, हाँ जी, सही आंसर की अगर मैं बात करूं, सही आंसर क्या है? सही आंसर है नन अदर देन इजराइल। आपको पता है कि इजराइल हमारा ऑल वेदर अलाई है, अच्छे बुरे समय में हमारा साथ देता है। इवन चाहे कोई भी टाइम पीरियड हो, अच्छा हो बुरा हो, इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा है। इजराइल के डिफेंस इक्विपमेंट के हम सबसे बड़े बायर है पूरे वर्ल्ड में। आपको यही बता दूं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो इजराइल के बने हुए स्पाइस बॉम्ब्स का ही हमने यूज किया था। पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमने स्पाइस बॉम्ब्स का यूज किया था, ठीक है। और ये बॉम्ब्स भी हमारे पास इजरायली मेड बॉम्ब्स थे, ठीक है। और हमारे पास नेफ्टाली बेनेट अभी राइट नाउ हमारे पास हेड ऑफ द कंट्री हैं, और उनके हेड बनने के बाद भी जो रिलेशन है वो हमारे पास और ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि जनरली क्या होता है कि कंट्री में जब हेड चेंज होते हैं, जैसे हमारे पास काफी टाइम सर जो कंट्री के हेड थे वो चेंज हुए, तो जनरली रिलेशन में भी चेंजेस आते हैं, लेकिन इसराइल के साथ हमारे रिलेशन वैसे के वैसे ही हैं और इंप्रूव होते जा रहे हैं, तो एक अच्छी चीज है हमारे पास। और यहां पर ये जो फंड है वो किसके ऊपर काम करेगा? यहां पर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होगा, मॉस्किटोस को कैसे हम हटा सकते हैं उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा हमारे पास जो मेडिकल सिस्टम है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए उसको लेकर यहां पर कई सारी बातें जो है वो की जाएंगी। तो आई गेस ये क्लैरिटी होगी होगी आपको कि ये फंड जो है हमने इसराइल के साथ मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ओके, पहली स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 8 clusters एट अ कॉस्ट ऑफ 2300 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट है द कोपल टॉय क्लस्टर इज द फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। हां जी, ऑप्शंस आपके सामने। तो टॉय क्लस्टर्स की बात हो रही है, चाइना की मोनोपोली है अभी तक टॉय क्लस्टर की। जब भी मैं बात करता हूं टॉय क्लस्टर की, जब मैं बात करता हूं तो अभी तक मोनोपोली किसकी चल रही है? चाइना की मोनोपोली जो है यहां पर हमें देखने को मिलती है, चाइना का दबदबा है पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो बच्चे, समझने वाली बात, भले ही दबदबा यहां चाइना को, लेकिन हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं कि इंडिया जो है वो अल्टीमेट लेवल पर एक्सपोर्ट करे टॉयज के बारे में। इंडिया के कई सारे यूनिक टॉयज हैं, आपने सुना होगा,
अलग अलग तरह के टॉयज होते हैं, हिमाचल में बिल्कुल अलग तरह के टॉयज होंगे, और कई सारे टॉयज को तो इवन जीआई टैग भी है। तो यहां पर भारत जो है उस सब का कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहता है। और यहां पर पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, आइए आंसर देख लेते हैं, तो पहली स्टेटमेंट क्या सही है? पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भारत में टोटल 8 टॉय क्लस्टर जो है वो बनने जा रहे हैं। बिल्कुल पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भारत में टोटल 8 टॉय क्लस्टर बनने जा रहे हैं, जिसमें से बच्चों मैं आपको बता दूं कि 3 टॉय क्लस्टर कहां बनेंगे, 3 टॉय क्लस्टर बनेंगे हमारे पास एमपी में, 3 टॉय क्लस्टर कहां बनेंगे इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कोपल टॉय क्लस्टर जो है वो भारत का पहला टॉय क्लस्टर है, कर्नाटक में बना है। तो यहां से हमारे पास टॉय एक्सपोर्ट जो है वो अब शुरू होगा। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है मेरे पास। याद रखिएगा, इसके लिए गवर्नमेंट कितना पैसा लोकेट कर रही है, 2300 करोड़। देखो बच्चे, इसे दो फायदे होंगे, एक तो इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, दूसरा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि 2021 से 2022 के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट टारगेट रखा था, दैट इज ऑफ $400 बिलियन, जिसको हम आगे और ज्यादा चाहेंगे कि और ज्यादा ही एक्सपोनेंशियली इसको हम आगे बढ़ा पाए, ग्रो करा पाए। हाँ जी, क्लियर। तो आई गेस क्लैरिटी होगी होगी इस चीज को लेकर, आई गेस क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय विच एंटिटी। तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाँ जी, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने रिलीज की है, क्वेश्चन आपके सामने। ओके, चलिए आंसर के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, जिसमें हर कंट्री जो मेजर इकोनॉमीज है उनकी ग्रोथ रेट की बात की जाती है। ठीक है, और हमारे पास पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ रेट क्या रहेगी उसके बारे में बात की जाती है। तो आई गेस आप सबने सही आंसर ही दिया होगा, ये करेक्ट आंसर है मेरे पास वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट आती है, मैक्सिमम बच्चों को ये चीज आई गेस पता होगी क्योंकि एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है। इसमें क्या बताया गया है इंडिया को लेकर, देखिए ध्यान सुनिएगा, इंडिया को लेकर क्या कहा गया है कि 2021-22 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी दैट विल बी 8.3%, दैट विल बी 8.3%, और 2022-23 में जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, दैट विल बी 8.7%। ठीक है, 8.3% और 8.7% एज पर दिस रिपोर्ट। रिपोर्ट किसने दी है, वर्ल्ड बैंक ने। सो वर्ल्ड बैंक आपको याद रखना है ये बना था आफ्टर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन कब हुई थी, आफ्टर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और हमारे पास वर्ल्ड बैंक की जब भी मैं बात करता हूं याद रखना इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहां है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसकी जो दो मेन ब्रांचेज है, वैसे टोटल 5 ऑर्गन्स है वर्ल्ड बैंक के, टोटल कितने ऑर्गन है, देयर आर 5 मेन ऑर्गन्स, उसमें से जो दो मेन ऑर्गन्स है दे आर आईबीआरडी एंड आईडीए, दे आर आईबीआरडी एंड आईडीए। आईबीआरडी हियर मींस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी हियर मींस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड आईडीए हियर मींस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईबीआरडी हियर मींस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड आईडीए मींस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिलाकर ही हम बोल देते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जब बात आती है तो वहां पर 5 ऑर्गन हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ये जो रिपोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और मैं चाहूंगा कि आप यहां पर याद रखें कि जो बात की गई है कि इंडिया जो है वो 8.3% से ग्रो करेगा इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-22, 8.7% 2022-23 में। एंड इवन उन्होंने 23-24 के बारे में एक बताया है कि 23-24 में जो इंडिया ग्रोथ रेट रहेगा, ऑल्दो वो कम रहेगा 6.8, इन्होंने क्या कहा कि जो 23-24 में इंडिया का ग्रोथ रेट रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा 6.8। तो ये हमें जो प्रोजेक्शंस मिली है वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मिली है। चलिए जी आगे चलते हैं, हमारे पास क्लैरिटी आई गेस होगी होगी इन चीजों को लेकर। डेविड मेलपास इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मेलपास, यूएस सिटीजन है। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल युआन। पहली स्टेटमेंट है इट इज Controlled by the Central Bank of China. दूसरी स्टेटमेंट है the Chinese citizen can exchange this for gold anytime. हाँ जी, बताइए जी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स।
हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए जी, पहले तो यहां पर युआन की बात हो रही है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि युआन जो है वो चाइना की करेंसी है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, रेनमिनबी, जिसका मतलब क्या होता है, पीपल करेंसी। ठीक है, चाइनीज युआन और रेनमिनबी के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर लेकिन नॉर्मल युआन की बात नहीं हो, डिजिटल युआन की बात हो रही है। क्या ये डिजिटल युआन क्रिप्टो करेंसी है? सो आंसर है नो, इट्स नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे पास नॉर्मल पेपर करेंसी होती है, तो चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी भी यहां पर लॉन्च की हुई है, और उसको डिजिटल युआन बोलता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारे पास, किसको कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, जिसका ऑफिशियल नाम क्या है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो चाइना में आपको देखने मिलेगा पीपल बैंक ऑफ चाइना। यहां पर याद रखिएगा, चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो ये उसके तरफ से ये करेंसी जो है डिजिटल युआन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट मेरे पास बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट मेरे पास बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, क्या सिटीजन करेंसी को गोल्ड में एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि जितनी जितनी गोल्ड की वैल्यू चल रही होगी करेंसी के अकॉर्डिंग, उसके मार्केट रेट पे बेसिकली क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट उसी के बारे में बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जी हाँ, चाइना के अंदर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि चाइनीज गवर्नमेंट से आप कैश देकर, अपनी जो कैश करेंसी है या डिजिटल युआन दोनों देकर आप गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते हो। हाँ जी क्लियर, दोनों आप गवर्नमेंट को सबमिट करके, यहां पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है हमारे पास, उसको सबमिट करके हमारे पास क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको बताऊंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना में रूल करती है, और शी जिनपिंग यहां के लीडर है। अभी चाइना और रशिया बहुत ज्यादा न्यूज में आपको पता ही होगा कि दोनों के बीच में कुछ कोलैबोरेशन चल रही है, और यूएसए सबसे काफी ज्यादा परेशान है। हाँ जी क्लियर, सो उस यहां पर युआन को लेकर कई सारी खबरें आई थी, डिजिटल युआन को लेकर स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो दैट्स व्हाई मैंने यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसको कभी भी क्रिप्टो करेंसी मत समझिएगा, डिजिटल युआन जो है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्योंकि डिजिटल युआन को कंट्रोल कौन कर रहा है, यहां का सेंट्रल बैंक, जबकि क्रिप्टो करेंसी को कौन कंट्रोल करती है, क्रिप्टो करेंसी को कौन कंट्रोल करता है मार्केट फोर्सेस। ये चीज हमें कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखनी है, अपने दिमाग में बिल्कुल इसको लेकर क्लैरिटी अपनी रखनी है कि भाई ये जो डिजिटल युआन है वो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी नहीं है। हाँ जी क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो करेक्ट आंसर हेयर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली बैंड पोटैटोस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑप्शन है आपके पास, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र। हाँ जी जल्दी से बताइए, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, हाँ जी तेलंगाना। तेलंगाना ने बच्चे पोटैटोस बैन किए, दो रीजन है पोटैटो बैन करने के उत्तर प्रदेश से, एक तो खुद पोटैटो की कल्टीवेशन अपने यहां बढ़ा रहे हैं, और दूसरा जो यूपी से पोटैटो आ रहा था वो थोड़ा पुराना था, पुराना आलू था बेसिकली, तो पोटैटो की कंजप्शन इंडिया में बहुत ज्यादा है, और कई सारी स्टेट पोटैटो उगाती है, लेकिन अभी तेलंगाना ने यूपी के पोटैटो को बैन कर दिया है। तो क्वेश्चन एक उठना चाहिए आपके दिमाग में, क्या स्टेट के पास इतनी पावर होती है? तो देखो हमारे पास जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, याद रखना जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो पार्ट सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि स्टेट अपनी ट्रेड को लेकर बात कर सकती है, ट्रेड को लेकर रेगुलेशंस बना सकती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सेवन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बात क्लियर है कि सेवन शेड्यूल में हमारे पास ये बात कही गई है कि स्टेट अपने ट्रेड और कॉमर्स को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है, तो यहां पर वो कर रहे हैं, और इसी के चलते हमारे पास इन्होंने ये डिसीजन लिया है। और आपको बताना चाहिए कि तेलंगाना इस समय सबसे न्यूली क्रेडिट स्टेट है, ठीक है, और तेलुगु लैंग्वेज जो है यहां पर बोली जाती है, आंध्रा से अलग होकर बनी थी, और हैदराबाद जो है यहां की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, consider the following statement regarding LIC. LIC here means Life Insurance Corporation. आप सबने नाम सुना ही होगा. So government of India recently decided to allow 10% FDI in LIC, Life Insurance Corporation. ठीक है? Presently it is fully owned by the government of India.
हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी फॉल्स? ऑप्शन आपके सामने, एलआईसी एक बहुत बड़ी एंटिटी। हाँ जी करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है मेरे पास? ओके करेक्ट आंसर, चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट, क्या 10% अलाउ की गई है? नहीं, 20% अलाउ की गई है। उसके लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो रूल्स है, फेमा के रूल्स हैं, उनको चेंज किया है, ठीक है। 20% अलाउ की गई, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हाँ, क्या ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है? बिल्कुल बिल्कुल 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, और इसके करंट चेयरमैन है एम आर कुमार। इसे करंट चेयरमैन कौन है? एम आर कुमार। और आपको स्टूडेंट यहां पर यह याद रखना है कि गवर्नमेंट अब इसके शेयर्स को बेचने जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? आईपीओ। गवर्नमेंट पहली बार इसके शेयर बेचने जा रही है, दैट इज नोन टू बी आईपीओ। आईपीओ हियर मींस व्हाट? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो गवर्नमेंट इसके शेयर्स को जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कराने जा रही है, और उसके बाद इसमें 20% की एफडीआई भी अलाउ कर दी है। हाँ जी क्लियर। तो गवर्नमेंट हर साल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखती है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिबद्री डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट टू रेजुविनेट मिथिकल सरस्वती रिवर? हाँ जी, ऑप्शन आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ओके, डैम कहां बन रहा है? मेनली देखो बच्चों को कंफ्यूजन जहां तक मुझे लगता है कि होगी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। चलिए आंसर देख लेते हैं। एक्चुअली हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, की आदिबद्री डैम बनाया जाएगा। अब साइन इन दोनों स्टेट के बीच में हुआ, लेकिन डैम कहां बनेगा? इन द यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो डैम हरियाणा में बनेगा, एक्चुअली इन द ऋग्वेदिक टाइम पीरियड। अगर आपने ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा है, तो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में हमारे पास इंडिया में 7 रिवर जो बहा करती थी, उसके बारे में बात की गई, सप्तसिंधुआ। भारत को सप्तसिंधुआ कहकर रेफर किया गया। ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में जो सबसे सैक्रेड रिवर थी, सबसे पवित्र रिवर थी, वो सरस्वती रिवर थी। सबसे पवित्र रिवर जो थी सरस्वती रिवर थी, जो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और इस रिवर को फिर से रेजुविनेट करने के लिए हरियाणा और हिमाचल ने टाई अप किया है, एक एमओयू साइन किया है, और इसी के चलते एक डैम बनाया जाएगा कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर में। हाँ जी क्लियर। तो ये क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा गया, तो यहां पर एक रिवर को, और इससे अल्टीमेटली इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, आगे चलकर हो सकता है कि हम उसको इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी अच्छे से यूज कर पाए। हाँ जी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। लीप इज द न्यू स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ विच कंपनी? लीप के नाम से किस कंपनी ने एक स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें स्टार्टअप की ही हेल्प की जाएगी, नई जो हमारे पास स्टार्टअप कंपनीज है उनकी हेल्प की जाएगी? तो किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन आपके सामने, अमेजन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, फोन पे। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके सो करेक्ट आंसर हियर इज फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्लिपकार्ट की जब मैं बात करता हूं, फ्लिपकार्ट में आज की डेट में मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है? वॉलमार्ट। ये यूएसए की कंपनी है, ठीक है। इसको फ्लिपकार्ट को दो इंडियंस, सचिन बंसल, विनी बंसल ने शुरू किया था, लेकिन आज वॉलमार्ट इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर है। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट जो है, वो क्या हमारे पास कि अभी इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। अभी इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। हाँ जी क्लियर। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला। को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।